हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण का एक जो आपका कौशल होता है, प्रस्तावना कौशल, उसकी वीडियो, जो कि सभी आप सभी को पता होगा। अगर आप लोग सूक्ष्म शिक्षण से थोड़ा सा भी आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पता है, तो प्रस्तावना कौशल सबसे ज़्यादा यहाँ पे टफ माना जाता है, क्योंकि बच्चों को प्रस्तावना प्रश्न बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं और प्रकरण निकलवाने में कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं वो यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे, यानी कि प्रतिदिन, अगर आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड कोई भी किसी भी कौशल के ऊपर, किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन का समय लूँगा, आपकी वीडियो आप तक पहुँचा दूँगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है जो बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ठीक है। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप जिस पेज पे सूक्ष्म शिक्षण आप करेंगे, जिस पेज पे आप प्रस्तावना प्रश्न अपना बनाएंगे, आप सभी को मैं पहले बता दूं, ये प्रस्तावना कौशल दिखाने से पहले, कि जो आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है वो दो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आपका एक कौशल कंप्लीट होता है। यानी कि जैसे आप यहाँ पे प्रस्तावना कौशल कर रहे हैं, प्रस्तावना प्रश्न बना रहे हैं, तो आपका पहले टीचिंग होता है। टीचिंग में आपके अंदर जो कमियाँ होती हैं, फिर से रीटीचिंग के द्वारा आप उसको दूर करते हैं। दोनों के बाद ही आपका एक कौशल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न में आप सबसे पहले जिस पेज पे आप बनाना शुरू करेंगे प्रस्तावना कौशल, सबसे बीचों बीच आप इस तरीके से प्रस्तावना कौशल लिखना है, ठीक है, या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना लिखनी है, नंबरिंग उसकी करनी है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको दिनांक लिखना है, किस डेट पे आप ये सूक्ष्म शिक्षण पढ़ा रहे हैं। विषय आपका आज का है विज्ञान, कालांश है प्रथम, यानी कि फर्स्ट पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। कक्षा है हमारी यहाँ पे 7वीं, प्रकरण है हमारा मिश्रण, और जो आपका मानक समय अवधि होती है यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण की, वो 5 से 7 मिनट होती है, ठीक है। समय यहाँ पे इसलिए दिया जाता है क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसा होता है कि 5 से 7 मिनट की जगह 15-14 मिनट ले लेते हैं, जो कि नहीं अच्छा माना जाता। अगर आपको 5 से 7 मिनट दिया गया है, तो 7 से 8 मिनट या 9 मिनट तक ले लीजिए, या फिर 5 से 6 मिनट ले लीजिए, सबसे आइडियल समय यही होता है। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना होता है प्रस्तावना प्रश्न में। पूर्व ज्ञान में आपको देखिए उस टॉपिक से रिलेटेड लिखना होता है कि विद्यार्थियों को जो टॉपिक है आपका, जैसे हमारा आज का टॉपिक है मिश्रण, तो मिश्रण के बारे में सामान्य जानकारी है। कोई भी टॉपिक होगा, इस तरीके से लिख दीजिएगा, विद्यार्थियों को टॉपिक का नाम के बारे में सामान्य जानकारी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न का यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बनाना होता है। आपके कॉलेज में अगर आपके जो पर्यवेक्षक हैं वो कहें 2 कॉलम का बनाने के लिए स्ट्रक्चर, तो छात्राध्यापिका क्रिया या फिर और छात्र क्रिया इस तरीके से बना सकते हैं। लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। अगर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा। जो स्टैंडर्ड होता है वो 3 कॉलम का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो आपका उत्तर आया उसे दूसरा प्रश्न बना, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आया उसे तीसरा प्रश्न बना। इस तरीके से प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक दूसरे से प्रश्न जुड़े हुए होने चाहिए। दूसरा, जो प्रश्न है वो प्रश्नों का जो कठिनाई का लेवल होता है वो बच्चों के पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होना चाहिए। यानी कि कक्षा 6 या 7 का अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कक्षा 6-7 में बच्चा पढ़ रहा है, तो कक्षा 6-7 के अनुसार ही क्वेश्चन बनाइए अपना। ऐसा नहीं कि कक्षा 6-7 के बच्चों को आप प्रश्न कक्षा 11-12 लेवल का पूछिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या ध्यान देना होता है कि कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ऐसा नहीं कि 2 ही प्रश्न में अपना प्रकरण निकलवा दीजिए, या फिर 7-8 प्रश्न बना दीजिए अपना प्रकरण निकलवाने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, हम घरों में कौन कौन से तरल पदार्थ पीते हैं। तो बच्चे बोलेंगे घरों में आप जो भी पीते हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, चाय, कॉफ़ी, जूस। उसके बाद दूसरा प्रश्न फिर यहाँ से बनेगा, चाय में कौन कौन से पदार्थ डाले जाते हैं या फिर डालते हैं। यहाँ पे डालना कर लीजिएगा इसको कट करके। उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, चाय में जो भी चीज़ें डालते हैं, जो बच्चे ज़्यादातर चीज़ें तो आपको सभी को पता है, चाय की पत्ती, दूध, शक्कर, पानी, काफ़ी लोग इसके साथ इलायची भी डालते हैं। तो जो भी चीज़ आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, सिर्फ आपको इसमें से आंसर उठाना है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न फिर बनाइए, चाय एक प्रकार का क्या है। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे बोलेंगे मिश्रण है भाई, अलग अलग चीज़ों का, चाय पत्ती, दूध, शक्कर, चीनी, इन सब का मिश्रण है। फिर चौथा क्वेश्चन बन जाएगा, मिश्रण किसे कहते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। फिर पाँचवा प्रश्न यहाँ पे पूछ देंगे, समस्यात्मक प्रश्न पूछना होता है आपको, जिससे बच्चे किसी न किसी चीज़ पे जाके रुके और उसी के बाद अपना चैप्टर आप पढ़ाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखिए, 5वां प्रश्न है, क्या रेत को जल में घोलना भी मिश्रण कहलाता है। तो बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे इसके बारे में, या फिर हाँ या ना बोलेंगे, तो समस्यात्मक प्रश्न होगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे।
बच्चों आज हम मिश्रण के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। बच्चों को पता चल जाएगा कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, अब मिश्रण के बारे में वो पढ़ने वाले हैं और आप पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए निरीक्षण तालिका आपको बनाना होता है। अगर आपके कॉलेज वाले फाइल देते हैं जिसमें ये बना बनाया आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता है तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। इसमें चार कॉलम होता है, क्रम संख्या, प्रस्तावना कौशल के घटक, हाँ और नहीं। हाँ या नहीं का मतलब ये होता है कि कौन से घटक का आपने यूज किया है और किस घटक का आपने यूज प्रस्तावना पत्र निकालने में नहीं किया है अपना प्रकरण निकलवाते समय। तो यहाँ पे देखिए पहला है पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया है, तो बिल्कुल आपने किया है तो हाँ हो गया। नहीं किया रहते आप अगर तो यहाँ पे आपका टिक लग जाता नहीं के सामने, अगर आपने किया है तो सही जाहिर सी बात है कि आपको सही ही मिलेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे ध्यान कौशल के घटक होता है छात्रों के उत्तर का प्रयोग, तो उत्तर का प्रयोग अगला प्रश्न बनाने के लिए किया गया, बिल्कुल। तीसरा यहाँ पे है पॉइंट प्रश्नों में तारतम्यता, मतलब वही जो मैंने स्टार्टिंग बताया क्रम यहाँ पे प्रश्न जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। फिर चौथा यहाँ पे पॉइंट है देखिए मूल पाठ की ओर अग्रसरता, यानी कि आप अपने चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाइए, ऐसा नहीं कि आपका चैप्टर मिश्रण का है आप क्वेश्चन किसी दूसरे टॉपिक से उठा के पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रश्न होना चाहिए वो टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पे पांचवा पॉइंट आता है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, क्या आपने चार्ट का उपयोग किया है प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय, प्रकरण निकलवाते समय, या फिर आपने शिक्षण सहायक सामग्री में आपका आता है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क भी आता है, जैसे रोलिंग बोर्ड पर आपने कुछ बना के दिखा दिया, आपने संकेतक का यूज किया कि नहीं, जो छड़ी आती है उसका यूज किया है सही से कि नहीं किया है। उसके बाद लास्ट में आपका आता है यहाँ पे उपयुक्त समयावधि, क्या आपने 5 से 7 मिनट के अंतर्गत ही उस चीज़ को फॉलो किया है, कंप्लीट किया है, कि 5 से 7 मिनट में आपने वो चीज़ कंप्लीट नहीं किया है, ये आपका यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अगर आपने नहीं किया, काफ़ी बच्चे इसी में गलती करते हैं कि उपयुक्त समयावधि का प्रयोग नहीं करते हैं, वो या तो 2 मिनट में ही 3 मिनट में बोलना बंद कर देते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होती नहीं अभी, या फिर वो बोलते चले जाते हैं तो 10 से 15 मिनट ले जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, अगर आप ज़्यादा समय लेंगे तो भी आपको यहाँ पर गलत मिलेगा और कम समय लेते तो भी मिलेगा। तो 5 से 7 मिनट अगर आपने यहाँ पर आपको दिया गया तो 5 से 7 मिनट का समय ही उसमें लीजिए। लास्ट में यहाँ पर पर्यवेक्षक टिप्पणी यहाँ पर लिखना होता है, जिससे पर्यवेक्षक जो होता है नीचे आपके अंदर जो कमियाँ होंगी, पहली बार आप सूक्ष्म शिक्षण कर रहे हैं तो पहली बार ही बोर्ड पे गए होंगे पढ़ाने के लिए, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो पर्यवेक्षक यहाँ पे आपके अंदर जो कमियाँ होंगी वहाँ यहाँ पे टिप्पणी में लिखेगा, या फिर आपके अंदर जो अच्छाइयाँ होंगी यहाँ पे लाइन वाइज लाइन आपके लिख देगा, अपनी टिप्पणी लिख देगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके अंदर क्या कमियाँ थी और क्या अच्छाइयाँ थी। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना प्रस्तावना कौशल का विज्ञान विषय का। अगर आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को किसी भी कौशल के ऊपर सूक्ष्म शिक्षण का कोई भी कौशल हो, चाहे प्रस्तावना कौशल हो, उद्देश्य लेखन कौशल हो, ब्लैक बोर्ड वर्क हो, आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो, किसी भी कौशल जितने भी कौशल हो उसके किसी भी कौशल के ऊपर आपको व्याख्यान कौशल हो जो भी आपको चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा और बता दूंगा कि आपके वीडियो कब बन के आपके पास पहुँच जाएगी की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, लाल कलर का जो नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की जो वीडियो है वो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।